गाइस गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका मेरे फिर से एक नए ब्लॉग में जिसका नाम है तक्ष एंड मामा ब्लॉग्स। तो गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। आप देख सकते हैं सुबह के बज गए 7:30 और मम्मी का आप देख सकते हैं लोग, ये मम्मी सुबह सुबह काम करना शुरू कर देती है, मिशन चालू कर देती है। और तक्ष को अभी पिलाना है दूध, जो की बहुत ज्यादा नखरे दिखा रहा है। तक्ष वो कहा हो, वहां पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं सोफे वगैरह कैसे उल्टे पुलटे कर रखे हैं। और शिवम को जाना है कॉलेज, और आज का जो प्लान है गाइज, आज जाना है मुझे मन्नो के घर में, यानी मेरी सिस्टर के घर में, क्योंकि आज वैसे तो थर्सडे है, उसका ऑफिस होता है, बट ऑफिस की उससे क्या है कि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि आज मन्नो से भी मिल के आते, तो फोन आया था उसका, तो आज जाएंगे वहाँ पे। आज देखो शाम का टूर कहाँ का बनता है गाइज, पर अभी तो जाना है मनीषा के घर में, और बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं हम लोग मायके में, क्योंकि मायका ऐसा होता है कि बिल्कुल बेफिक्र। आज मैं बहुत मतलब अभी उठ के मैं इधर ब्लॉग ही शूट कर रही हूँ, अब तक सुबह दूध पिलाती हूँ और जाते समय फिर ब्लॉग शूट करेंगे, अभी मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइज निकल रहे हैं, बज गए हैं 11 और धूप भी काफ़ी हो गई है, अब निकल रहे हैं हम लोग, और मम्मी बहुत ज़्यादा खुश हो रही है कि हम जा रहे हैं करके। नहीं नहीं तक्ष जा रहा हूँ, बोलो मेट्रो में जाएगा ना तक्ष? अब नानी से दोस्ती हो गई है ना तक्ष की, इसीलिए अब नानी को अच्छा पा कर दो, नानी को पा कर दो मुन्नो, फिर जाएंगे। हाँ दोस्ती हो गई है नानी की, और हम थोड़ी देर में मेट्रो में मिलते हैं गाइस, अभी फटाफट से निकलते हैं क्योंकि धूप ज्यादा होने लग गई है, अब मिलते हैं थोड़ी देर गाइस। हम लोग निकल चुके हैं घर से तक्ष और मैं, तक्ष ने लगा रखे सनग्लासेस क्योंकि धूप ज्यादा हो रही है, तो अभी बैठते हैं फटाफट से रिक्शे में और फिर बैठेंगे मेट्रो में, मिलते हैं अभी थोड़ी ही देर में। तो मेट्रो का सफर हो गया है पूरा, और अब हम जा रहे हैं ऑटो से मनीषा के घर के लिए, क्योंकि यहाँ से थोड़ा दूर होता है ना, इसलिए तो जल्दी हम पहुँचने वाले हैं मन्नू के घर में। अभी हम लोग बैठ गए हैं मेट्रो से ऑटो में, तक्ष में है बच्चों, तक्ष को जब जल्दी से इतने जा रहे हैं कि मैं पहुँच जाऊँ, और क्योंकि आपको पता है कि दिल्ली का ट्रैफिक होता है बहुत ज़्यादा, तो लगभग 1.5 घंटे हमको हो चुके हैं ट्रैवलिंग करते करते, अब जस्ट हम पहुँचने वाले हैं, और यहाँ से कुतुब मीनार भी निकलेगा, इसमें आपको दिखाती हूँ। कर रहे हैं हम लोग बहुत ज्यादा मस्ती तक्षर में, मासी गई है उस कमरे में और मासी ने बनाया है बहुत ही टेस्टी पोहा, जो कि बहुत ही ज्यादा यम्मी हो रहा है। शादी से पहले खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं जानती थी, पर बहुत खुशी होती है, अब पहली बार मैं इसके हाथ का जो है पोहा खा रही हूँ, और बहुत ही ज्यादा यम्मी बनाया है, बहुत ही ज्यादा टेस्टी हो रहा है, बिल्कुल परफेक्ट। खा लिया है और मैं बनाया हुआ पास्ता, क्योंकि मेरे हाथ का पास्ता सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पे भी सबको पास्ता अपने हाथ का खिला दूँ, ताकि इनको भी पता चले कि पास्ते का टेस्ट एक्चुअली में होता कैसा है। और ये पीछे से सिस्टर देखा कि कितना टेस्टी और यम्मी पास्ता बनाया है मैंने, और ये दिखने में नहीं खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है, क्योंकि अभी मैंने सबसे पहले अपने भाई को खिलाया और भैया ने कहा कि बहुत ही यम्मी बनाया दीदी, बहुत ही टेस्टी बनाया, और आप ही बनाना पास्ता, और अब हम खाने जा रहे हैं पास्ता। तो गाइज अभी मिलते हैं ये टेस्टी पास्ता खाने के बाद, अगर आपका भी मन ललचा रहा है तो मुझे स्पेशली कमेंट्स में जो है मैंशन करिएगा, मैं आपको इसकी रेसिपी भी बताऊँगी। बज गए हैं शाम के 5 और हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा घूमने के लिए मार्केट की तरफ को, क्योंकि शाम का टाइम है, तक्ष को घूमना वगैरह पसंद है, और इस वजह से थोड़ा सा मार्केट में काम भी है, छोटी मोटी शॉपिंग भी करनी है इस वजह से। तो हाय सबको, ये हमेशा ऐसे हंसते रहते हैं, थोड़ा सा शर्मीले हैं इनका मुँह, ध्यान से देख लीजिए, ये शर्माते रहते हैं। चलते हैं फटाफट से बाहर की तरफ, आपको ये मार्केट, और ये हमारा तक्ष, हेलो बोल दो बाबू, चले फिर। हाँ।
कछू क्या कर ले हो? कछू कछू तो दोस्तों आप नीचे की तरफ जो ये जमीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे बड़े बड़े ओले पड़ रहे हैं। ये जो वाइट वाइट गिरे हुए नीचे मिल रहे हैं फर्श पे, ये सभी ओले हैं जो बहुत ही ज़्यादा अचानक से, हम मार्केट गए थे तो अचानक से पड़ने लग गए थे। तो हम शॉप के अंदर आके वहाँ से ये वीडियो मैं आपको कैप्चर करके दिखा रही हूँ। बहुत ही बड़े बड़े ओले थे जो कि कैमरे में उतने कैप्चर नहीं हो पा रहे, पर वाकई में बहुत बड़े ओले पड़ रहे थे अचानक से। क्या हुआ सक्षु? बर्फ गिरी है। मार्केट से सामान अब मनीषा और मैं जा रहे हैं। ये मेरी सिस्टर है, बताइए हम दोनों क्या एक जैसी ही लगती हैं? तो मिलते हैं, घर पे और खाना वगैरह बनने लग गए हैं, हमारा स्पेशल खाना। और साथ ही साथ तक्ष और तक्ष के मामा जो है यहाँ पर मस्ती करने में लगे हुए हैं, और जमाई जी लगे हुए हैं इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट पे, मिशन टू प्रोजेक्ट। और अभी मंगाया है हम लोगों ने एक स्पेशल पिज्जा जो कि मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी ही देर में। हमारा स्पेशल शाही पनीर जो कि मैं बना रही हूँ। शाही पनीर मेरे हाथ का ही, सबको बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ही सबको खिलाती हूँ। क्या चाहिए बेटा आपको? मैगी नहीं खाते, मैगी खाना गंदी बात होती है। और अभी शाही पनीर के साथ बनाएंगे, शाही पनीर के साथ बना रही हूँ टेस्टी टेस्टी रुमाली रोटी, जो कि आटा पीछे रखा हुआ है। अब इस मेरे हाथ की ये टेस्टी रुमाली रोटी खाकर तो मदहोशी हो जाने वाले हैं। बहुत ही टेस्टी मैं रोटी बनाती हूँ, रोटी सभी बनाते हैं, पर जो मेरे हाथ की रुमाली रोटी होती है शाही पनीर के साथ, उसकी अलग ही बात होती है। तो मैं सोच रही हूँ कि आज सबको मैं ही खिलाती हूँ। और दूसरी बात कि अभी थोड़ी देर में जब आएगा पिज्ज़ा तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि पिज्ज़ा हम सभी का बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और तक्ष की तो इतनी ज़्यादा शैतानियाँ बढ़ गई हैं, इतनी ज़्यादा इतना दिमाग ख़राब करके रख दिया है इस लड़के ने, कभी यहाँ कभी वहाँ, अगर एक जगह में बैठ गई तो वहाँ पर ही बैठ जाएगा बिल्कुल ठंड से, तो बहुत ही ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया है। और बाकी सब लोग अपने अपने काम पे लगे हुए हैं, बैक साइड में आप देख सकते हैं ये सभी लोग अपने इम्पोर्टेंट काम में लगे हुए हैं, और मैं भी कर रही हूँ अपना इम्पोर्टेंट काम। तो अभी गाइस मिलते हैं थोड़ी ही देर में। तो जिस चीज़ का था इंतज़ार आ गई है वो चीज़। लोगों ने सारा पिज्जा कर दिया है खत्म, और बहुत ही ज्यादा हमें मजा आया है। तो बताइए आपको कैसा लगा पिज्जा? बहुत टेस्टी। इनके मुंह से आवाज इसलिए नहीं निकल रही क्योंकि इनके खा के पेट में हो गई है मचाई, अब उल्टी आने से हो रहे हैं मचाई हो गई। तो दोस्तों अब जो उनकी जिनके खाली पीली पेट है, मुझे तो लगता नहीं वो भूख होगी, फिर भी इनके लिए थोड़े थोड़े से जो हमने रुमाली रोटी बनाई थी शाही पनीर के साथ थोड़ा खिला देते, क्योंकि वो सारा वेस्ट जाने वाला है वरना। तो मन्नू सबके लिए परोस दो खाना, ठीक है?